दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्रीकाल न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश उत्तर प्रदेश की सियासी जो जमीन है वो काफी सरगर्म होती जा रही है चुनाव में तरह तरह के रंग उभर रहे हैं एक रंग भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी दिखाई पड़ा है बड़ा ही दिलचस्प अब तक ये कयास लगाया जा रहा था कयास क्या बहुत सारे टेलीविजन चैनल बहुत सारे जो अखबार हैं यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी जो पत्रकार हैं आजकल पत्रकारों की जमात दलों से जुड़ गई है पहले लोग पत्रकारिता को अपना सब कुछ सर्वस्व मानते थे अब दलबंदियां भी पत्रकारों की भी दिख रही हैं तो बहुत सारे जो आ, कथित गोदी मीडिया या टीवीपुरम के जो पत्रकार हैं वो भी एक न्यूज देने लगे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो अयोध्या से लड़ेंगे गजब का सिम्बोलिज्म होगा एक अजीब तरह का एक प्रतीकात्मकता उसमें होगी कि राम मंदिर जहां बनने जा रहा है वहां पर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वह चुनाव लड़ेंगे और पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि हिंदुत्व का एक बड़ा लीडर जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है और जिसको आरएसएस और बहुत सारे जो जो हिंदुत्व संगठन हैं वो भविष्य का प्रधानमंत्री भारत का देख रहे हैं उसमें तस्वीर उनकी उनका अक्स देख रहे हैं तो आखिर उनको क्यों ना वहाँ से लड़ाया जाए तो ये एक बात चल रही थी लेकिन दोस्तों ऑल ऑफ सडन आज खबर मिली कि जो लिस्ट जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की उसमें योगी आदित्यनाथ अयोध्या से नहीं अब वो गोरखपुर से लड़ेंगे गोरखपुर यानी उनके अपने पीठ का जो मुख्यालय शहर है नगर है वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और उन आमतौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर सेफ कॉन्स्टिटन्सी मानी जाती रही है लोकसभा में भी और विधानसभा तो खैर वो आ, उनके लिए आसान और होगा तो ऐसे में वो अयोध्या जैसी एक दूसरी आसान सीट क्योंकि अगर इस देश में इस वक्त हिंदुत्व राजनीति का कोई सदर मुकाम है तो वो गोरखपुर और दिल्ली नहीं है वो अयोध्या है और उस अयोध्या में इतनी जहां लड़ाइयां लड़ी गई हिंदुत्व के नाम पर जहां इतनी सारी बातें हुई जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण की हरी झंडी मिल गई लेकिन मंदिर अभी नहीं बनाया जा रहा है जिस तरह दिल्ली में पार्लियामेंट और दूसरी और सेंट्रल विस्टा के और सारे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं तेजी के साथ पूर्ण गति के साथ तीव्र गति के साथ लेकिन मंदिर में कोई गति नहीं लाई जा रही है क्यों क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से एन पहले इसको अंजाम दिया जाएगा इसको बनाया जाएगा ताकि मतदाताओं के दिमागों में ये बात रहे और साथ में हिंदुत्व पोलराइजेशन के लिए एक स्पेस बना रहे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को इसीलिए अयोध्या में लड़ाने की बात चल रही थी कि इससे माहौल को और ज्यादा गरमाया जा सकेगा और भगवाधारी मुख्यमंत्री भगवाधारी भाजपा का जो एक नेता है उसको अयोध्या से लड़ाकर और चुनाव जीताकर एक नया एक एहसास पैदा किया जाएगा हिंदुत्वा, हिंदुत्व हिंदुत्ववादी जो दलबंदी है उसकी राजनीति में लेकिन अचानक उनके गोरखपुर जाने का कारण क्या यह बहुत ही हैरत में डालने वाली घटना है लोगों के लिए और उत्तर प्रदेश में इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं जो इस बारे में मैंने कई तरह के लोगों से बात की यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनसे भी मैंने पूछताछ की और दोस्तों सभी लोगों का एक आमतौर पर आम राय लोगों की है कि सेफ सीट मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे आदमी के लिए हमेशा सेफ सीट खोजी जाती है और ऐसे में पूर्ण भरोसा कैंडिडेट को यानी मुख्यमंत्री जो मौजूदा स्थिति में है उनको होना चाहिए कि वो वहां कभी जाए चुनाव प्रचार में या न जाए वो हर हालत में जीतेंगे तो गोरखपुर को इसके लिए बेहतर योगी आदित्यनाथ ने मांगा माना और अयोध्या को नहीं इसका मतलब यही है और इस तरह से शिफ्ट किया गया ये शिफ्टिंग क्यों हो दी आखिर क्या ये दस दिन पहले सात दिन पहले भी ऐसा हो सकता था राजनीतिक जो कयास लगाने वाले लोग हैं लखनऊ में उनका मानना है कि नहीं ऐसा हो सकता था यह हुआ है ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों में एक जो बगावत की आंधी बही है और उस बगावत की आंधी में उसके कंपल्सन या दबाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लोग विधायक रहे लोग वे ओबीसी कम्युनिटी के वो छोड़ छोड़ कर जिस तरह सपा की तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं और अखिलेश यादव जो अब तक कमजोर दिखाई दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले वो अचानक इतने मजबूत हो गए हैं कि लोगों का कहना है कि विकल्प के तौर पर ही नहीं बल्कि अब वो एक ऐसी शख्सियत के रूप में मोर्चे के एक ऐसे गठबंधन के एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो अगर छोटी मोटी गलतियां ना करें तो उनके लिए चुनाव आसान हो सकता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि जो इतने बड़े पैमाने पर डिफेक्शन हुआ जो पिछड़ी जातियों में बगावत की आंधी बही है क्योंकि बीजेपी को भरोसा था कि उसने केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारे उप राज्य मंत्री स्तर के लोगों को जो ओबीसी कम्युनिटी से लिया और कुछ एक को कैबिनेट भी पद दिया तो ऐसे लोगों के चलते प्रतिनिधित्व की के चलते हो सकता है कि जो ओबीसी कम्युनिटी में थोड़ी बहुत नाराजगी है जातिगत आरक्षण के कारण बहुत सारे ऐसे आरक्षण के इश्यूज हैं जिनसे लोग नाराज हैं ओबीसी कम्युनिटी के क्योंकि उनको जो आरक्षण दिया गया है उसमें लगातार कटौतियां हो रही हैं अनडिक्लेयर्ड कटौतियां लोगों के अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात को सरकार ने केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया इस बीच में ई हो गया यानी ऊंची जाति जो ऊंची हिंदू जाति के लोग हैं उनके उनके कथित गरीब लोगों के लिए आरक्षण हो गया जबकि भारत के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है तो इन कारणों से ओबीसी में एक बेचैनी थी नाराजगी थी साथ में कमीशन के रिकमेंडेशन पर एक एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी की ओर से एक एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में कहा गया कि ओबीसी को डिवाइड कर देना चाहिए और अलग अलग कोटा निर्धारित कर देना चाहिए इसको भी ओबीसी कम्युनिटी में काफी एक बड़ी चुनौती के तौर पे या बड़े खतरे के तौर पे लिया गया तो इन कारणों से एक गहरी नाराजगी ओबीसी कम्युनिटी में रही है और नाराजगी को सबसे अधिक बढ़ा दिया जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इनकार करना इन तमाम चीजों से और इसके अलावा किसान आंदोलन किसान आंदोलन में शुद्ध जातियां जातियां सर्वाधिक उनकी हिस्सेदारी है खासकर उत्तर प्रदेश में तो वो एक इंपैक्ट जो पड़ा है उसका भी रिफ्लेक्शन हुआ है तो माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है या उनकी पार्टी का जो फैसला है उनको गोरखपुर से लड़ाने का अयोध्या से न लड़ाने का वो शायद ये जो ओबीसी कम्युनिटी में जो एक एक असंतोष आक्रोश दिखाई दे रहा है हिंदुत्व राजनीति को लेकर उसके कारण है उसके दबाव में है क्यों क्योंकि अयोध्या की सीट कई बार उसने अतीत में देखा गया कि वहां पर कभी बीजेपी और आरएसएस या जनसंघ समर्थित उम्मीदवार शुरू में नहीं जीता करते थे ये बहुत बाद में कुछ एक इलेक्शन में जीत हुई तो वो इतनी स्टेबल या उतनी कॉन्फिडेंस वाली सीट नहीं है हिंदुत्व राजनीति के लिए जितना समझा जाता है कि वहां पर चूंकि राम मंदिर बनना है चूंकि वहां हिंदुत्ववादी राजनीति का बहुत अखाड़ा रहा है इसलिए सारे लोग वहां के प्रभावित हो जाएंगे हिंदुत्वाद राजनीति से ऐसा बिल्कुल नहीं है तो ये एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी घटना थी मैंने सोचा कि आपसे मैं इसको शेयर करूँ और दूसरी एक जो बड़ी दिलचस्प खबर है वो खबर यह है कि आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद है पहले वो चंद्रशेखर रावण लिखते थे अब उन्होंने रावण हटा करके आजाद अपने को कहना शुरू किया है ऑफिशियली। तो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी बताया जाता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से या उनके गठबंधन से उनकी बातचीत चल रही थी काफी समय से और इस बीच में फैसला यह हो गया कि वो अब गठबंधन में नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको महज दो या तीन सीटें देने का ऑफर किया अखिलेश यादव ने दो सीटों की बात की है लेकिन चंद्रशेखर आजाद के जो निकटवर्ती लोग हैं वो बता रहे हैं कि अंततः तीन सीटों पर बात जाकर के खत्म हो गई अब क्या बात है कि आजाद समाज समाज पार्टी के जो नेता हैं वो दरअसल ज्यादा सीटें चाहते थे कम से कम पांच सीट चाहते थे लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना था कि वो एडजस्ट नहीं कर सकती इतनी सीटें इसी बीच में बकौल अखिलेश यादव उन्होंने बातचीत के दरमियान ही किसी से फोन पर बात की और फोन पर बात करने के बाद उन्होंने कहा को तो ठीक है हमारा आपका रास्ता अलग हम अलग चुनाव अब हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही और फिर बात खत्म हो गई वार्ता खत्म हो गई अखिलेश यादव ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर उन्होंने किससे बात की यह उनको समझ में नहीं आया लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इसके जवाब में एक तरह से जवाबी हमला किया अखिलेश यादव पर और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अखिलेश यादव ने उनका अपमान किया है अब अपमान किया है कि आपको अपेक्षित सीटें नहीं दी जो आपकी इच्छा पर आपकी इच्छा से आप चाहते थे तो क्या यह अपमान है या टेलीफोनिक जो आपकी वार्ता थी उसका उन्होंने खुलासा किया ये कोई अपमान है क्या अपमान है तो यह कुछ बात स्पष्ट नहीं हुई दोस्तों 2017 के एक एपिसोड से पहली बार चंद्रशेखर आजाद को लोगों ने जाना चंद्रशेखर आजाद रावण उस समय लिखते थे और फिर वो अचानक मायावती जी के समानांतर उत्तर प्रदेश में एक वैकल्पिक नेता के तौर पे देखे जाने लगे कुछ ही समय बाद और 2019 आते आते वो बड़े आ, सुर्खियों में आए मीडिया की सुर्खियों में लगातार वो बने रहे तो 2017 से जो पहली बार खबर में आए 2019 से जो सियासत के मैदान में एक रिकग्नाइज फेस बने और 2021 हजार अभी खत्म हुआ है 2022 शुरू हुआ है तो महज दो सालों की सियासत में अगर कोई राजनेता इतनी सारी महत्वाकांक्षा पाल ले कि वो मायावती जी का विकल्प भी बन जाएगा और अखिलेश यादव से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी पा जाएगा कम से कम जितनी उसकी हैसियत है उससे ज़्यादा सीटें तो मैं समझता हूं कि इसको अति महत्वाकांक्षा अगर न कहा जाए तो क्या कहा जाएगा और मैंने देखा है दोस्तों चाहे वो जिस पेशे में भी लोग हों सिर्फ सियासत की बात नहीं है चाहे वो जर्नलिज्म हो चाहे वो प्रोफेशनल और जो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं इन दिनों एक आ, 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 नई पीढ़ी के बहुत सारे नौजवानों में अति महत्वाकांक्षा है जल्दी से जल्दी बहुत बड़े पद पर पहुंचने की बहुत ज्यादा पैसा पाने की बहुत ज्यादा शोहरत पाने की यह महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा ये अच्छी बात भी है एक लेवल पर अच्छी बात है महत्वाकांक्षा का होना लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस न करना उसके लिए श्रम न करना उसके लिए धैर्य न रखना उसके लिए काम और मशक्कत उतनी न करना मुझे लगता है कि ये शायद कहीं ना कहीं प्रौढ़ता को और कहीं ना कहीं विवेक के रास्ते को बाधित करता है मेरा यह सवाल है कि कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण रावण सॉरी चंद्रशेखर आजाद कहीं इसी परेशानी या इसी भटकाव में तो नहीं पड़े हुए हैं कि अति महत्वाकांक्षा ने उनको या उनके पीछे कोई और राजनीति है कोई और राजनीति कर रहा है कोई नहीं जानता तो कुल मिलाकर कुछ बातों का खुलासा पर, बाद में होगा लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने इस वक्त गठबंधन की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में तो बड़े व्यापक जो भाजपा विरोधी एक दलबंदी है सपा के नेतृत्व में उसके साथ अपने को जोड़ने से इनकार किया है अब देखना है कि वो आगे क्या करते हैं कुछ लोगों का अनुमान है कि वो शायद ओवैसी साहब की पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे कुछ लोगों का अनुमान है कि नहीं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे अब वो क्या करते हैं इस पर निर्भर करेगा कि उनके दिमाग में क्या तस्वीर है अपने बारे में यानी भविष्य में वो कैसी राजनीति करना चाहते हैं तो आइए देखिए क्योंकि अभी उन्होंने अब उनको ये जरूर इतिहास देखना चाहिए कि कांशी राम जी ने वर्षों की मेहनत के बाद बीएसपी नाम की पार्टी खड़ी की और उस बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में चमत्कार कर दिया और आज भी मायावती जी की बहुत ही यूँ कहा जाए कि सुस्त राजनीति या भटकी हुई राजनीति के बावजूद बी का वजूद का कायम है भले वो बिखर गई है वो छितर गई है वो कमजोर पड़ गई है लेकिन कांशी राम जी ने जो बिरवा रोपा वो अभी वजूद में है लेकिन आज़ाद साहब बिना लंबी यात्रा के मेहनत के बहुत जल्दी कांशी राम जी की तरह या मायावती जी की तरह एक बड़ी शख्सियत दलित राजनीति के बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा करने वाली बात है और उनकी राजनीति को प्रभावित करने वाली भी और दोस्तों तीसरी हमारी जो आखिरी आज की टिप्पणी है वो पंजाब की है चमकौर साहब सीट से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतसर सीट से अब दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों नेता एमएलए यानी विधायक की सीट पर चुनाव लड़ेंगे यानी अगर किसी तरह से कांग्रेस को बहुमत के लायक सीटें मिल गई सरकार बनाने लायक तो दोनों क्लेम ठोकेंगे अपनी अपनी उम्मीदवारी का मुख्यमंत्री पद के लिए और सिद्धू साहब ने कई बार ये बात कही है कि मुख्यमंत्री तो वो बनेंगे वो उनका क्लेम कायम रहेगा चरणजीत सिंह चन्नी इस तरह का कोई क्लेम अपनी अपनी भाषा में अपने शब्दों में नहीं करते वो धैर्य रखते हैं काफी विवेक सम्मत है काफी उनके पास पेशेंस है लेकिन सिद्धू साहब के पास पेशेंस की कमी है महत्वाकांक्षा तो खैर अद्भुत उनमें है जब ज्यादा ही महत्वाकांक्षा कुछ है ऐसे में पंजाब की सियासत में बड़ा दिलचस्प एक वाकया सामने आ सकता है चुनाव रिजल्ट आने के बाद अगर वाकई कांग्रेस को बहुत बहुमत मिलता है और दोनों नेताओं में जरूर खींचतान होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस आलाकमान के लिए वह कठिन घड़ी होगी देखना होगा कि वो सिद्धू साहब जैसे महत्वाकांक्षी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति को और काफ़ी हद तक ए पोलिटिकल भी और राजनीतिक किस्म की के मिजाज वाले व्यक्ति भी तो ऐसे व्यक्ति को संभालना राजनीति में काफ़ी कठिन होता है तो पंजाब की सियासत में चुनाव से पहले चुनाव होने से पहले कांग्रेस के लिए भविष्य की जो तस्वीर है काफ़ी जटिल है इन चीज़ों पर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के नेतृत्वकारी जो लोग हैं वो जरूर सोच रहे होंगे तो दोस्तों आज इन्हीं तीन खबरों के साथ आज की हफ्ते की बात का समापन करते हैं नमस्कार आदाब सत श्रीकाल